गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे। हेलो, कहाँ मार? अरे मैदान बोला था ना वेट करने के लिए, मैदान में हूँ। हाँ, क्या भाई भाई, चल कोई बात नहीं, आ रहा हूँ थोड़ी। अरे आ रहा हूँ। हाँ, अरे वैसे भी मेरा रोल नंबर लास्ट में आता है। हाँ आ रहा हूँ। अरे वैसे भी प्रोफेसर कोई बेंजामिन बटन का बाप तो है नहीं जो घड़ी उल्टी सेट करे। ठीक है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ। करना है तो किताब पूरी चाट कर आना है, ये दिल पर ले गया। टोटली अग्रीड।
वाह वाह। अबे मग्गू कितना पड़ेगा? अगले सेम के लिए भी छोड़ दे कुछ। बे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा तो वाइवा चल रहा है ना अंदर। यहाँ के सी लिखा है, मेरा लास्ट रोल नंबर है। इस बार डीके लास्ट से स्टार्ट कर रहा है क्या? ओ ओ अबे सुट्टा का फैन दे। लेट कहाँ आए हो? बैठो। ओके बी जॉय, tell me, have you studied amplitude modulation circuit? Pulse modulation? Hey, have you studied anything or not? You haven't studied anything, then how come you come for the viva? Okay, at least you tell me which among these is a 220 kilo ohm resistor. अरे ऐसा क्या होता है, कुछ बोलो, say something। Transistor, yeah, but now.
ट्रांजिस्टर बताओ। गुड क्वेश्चन मिश्रा सर। अच्छा वो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सर्किट था बताओ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहले एक मैसेज सिग्नल होता है और एक कैरियर सिग्नल होता है। Let me ask the question. No. Mishra sir, you ask them the buffer circuit question. मैं दो वर्ष को होता हूँ। इधर ओपेम द तलेना, द ट्रांसिस्टर, Sir, let's give them the grades. Hey, what are you doing? You want to know your grades? Mishra sir, tell them their grades. Okay, now you go. सर जो नेक्स्ट रोल नंबर है ना 67 टॉपर है सर 9 पॉइंट। अच्छा एक टॉपर है बुलाओ। उसकी दहाड़ लंबी और गरजदार थी। मैं कमेंट सर कमेंट हम पहले 50% मॉड्यूलेशन का ग्राफ बना के उसका फिर 50% डीमॉड्यूलेशन करो और फिर उसका 50% मॉड्यूलेशन करके फिर ग्राफ बना के दिखाओ। यू टेल मी नॉइज पल्स मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन में नॉइज होता है। अगर नॉइज होता है तो उसका वैल्यू बताओ। अरे नहीं 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 तुम तो हमको पूरा SNR रेशियो का वैल्यू बताओ। यू टेल मी SNR रेशियो टेल। अरे इसका डीमॉड्यूलेशन तो करो। ओके तुम ये तो बताओ नॉइज होता है कि नहीं। यू टेल बताओ बताओ टेल। अरे बताते क्यों नहीं बताओ। ओके
68। सर सर ये लड़का ना एक नंबर नलायक है, कुछ नहीं पढ़ता लिखता है, कुछ काम धाम नहीं करता, प्रैक्टिकल लैब में ना ऐसे टहरता रहता है यहाँ वहाँ, एलएससी के सामने लेकिन साहब रोज जहाँ डांस करता है, कुछ नहीं आता इसको। एक ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? अरे कुछ नहीं पता तुमको, ये बताओ किस पेज पढ़ा हो तुमने? पेज ही मार रहा है हमको पेज। सर इसको जीरो नंबर, जीरो जीरो माइंड। नेक्स्ट रोल नंबर 69। यू आर 69? ए यू स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज। यू टेल मी द पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सर पल्स मॉड्यूलेटर तो आपने कहा था कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, और आपने कहा था नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे तो मैं पढ़कर ही नहीं आया। और सर आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा सब कुछ पढ़कर आता हूँ सर। अच्छा मिश्रा सर यू आस्क द क्वेश्चन। बताओ। गुड क्वेश्चन, नाउ यू आंसर। भाई आप कोई से भी ले जाओ। हमने कहा था ना आपसे अपना मार्क्स भी दूसरे लोगों के मार्क्स के बराबर होना चाहिए, जितना असाइनमेंट होता है उतना जा रहा है ना यहाँ से? जा रहा है जेपी से लेकिन पहुंच नहीं रहा है। तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर साहब केवल पढ़े लिखे हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, गूगल से कॉपी पेस्ट करना क्या होता है उनको नहीं पता? बीके के मुंह में सुट्टा फूंक दिए कम्युनिकेशन लैब में सीवी मिश्रा के सामने। विजय जार्डन नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। क्या बे मग्गू अभी भी चाट रहे तू? बेवकूफ। मेश पांडे नमस्कार। बॉब विश्वास। एक मिनट रे, चश्मे के पीछे छुपी वो है मानियत, लड़कों पर अपनी बीवी का गुस्सा निकालना। मेरी चीटिंग में तेरी बेपरवाह गुस्सा किया, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा लेक्चर में हमें बोर करना, तेरा बात बात पर वाइबी की धमकी देना, जो समझ ना आए तेरा उस एसेंट में बोलना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। नहीं आता वो सवाल पूछने से, मेरे मासूम जज्बातों से खेलने से, बेवजह रात भर की मेहनत को कोसने से, नफरत करूंगा मैं
जब तक है जहां, जब तक है जहां। मेरी ग्रेड शीट की हर एक पंजी से, लैब असिस्टेंट के सामने की हर एक बेइज्जती से, लड़कियों को दी एक एक एक्स्ट्रा मार्क्स से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जहां, जब तक है जहां। We'll be right back.